जी हाँ गाइस, तो अभी हम निकले थे बायोडाइवर्सिटी पार्क से और निकलते ही जस्ट जो बायोडाइवर्सिटी का गेट है उसके बाहर ही आपको नीलकंठ महादेव का मंदिर देखने को मिल जाएगा। नीलकंठ महादेव जो है यहाँ के वो काफी पुराना यह मंदिर है और यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये जो मंदिर है वो उदयपुर शहर बसने से पहले का मंदिर है। और यहाँ पे जब महाराणा जब चित्तौड़ से आया करते थे यहाँ पे से एकलिंगनाथ के दर्शन करने, तब उन्होंने यहाँ पे ये मंदिर जो है वो उसका निर्माण करवाया था और साथ में यहाँ पे जो पास में पुरोहितों का तालाब है उसका निर्माण करवाया था। तो ये यहाँ की हिस्ट्री है। जैसे ही आप बायोडाइवर्सिटी पार्क के गेट्स जहाँ से मेन एंट्री टिकट काउंटर है वहां से आप जैसे ही बाहर निकलते हो, ये मंदिर है, यहाँ सामने की तरफ बावड़ी है और अब मैं भी दर्शन कर लेता हूँ, आपको भी करवाता हूँ। जी हाँ गाइस, तो यहाँ आप भी करिए नीलकंठ महादेव के दर्शन। पर ये बात सच है कि भगवान को दर्शन करवाने होते हैं तो बुला ही लेते हैं। हम यहाँ से सोच रहे थे बाहर से पुरोहितों के तालाब की तरफ जाने के लिए, पर यहाँ पे आते ही बारिश इतनी तेज हुई कि हमें यहाँ पे रुकना पड़ गया और मतलब भगवान के दर्शन करने लिखे थे तो हो गए लोग और भी बारिश में भीगने की वजह से बारिश हो रही है काफी तेज, तो यही मंदिर में आए हुए हैं। जी हाँ गाइस, तो अभी हम आए हैं पुरोहितों का तालाब, वहां से बायोडाइवर्सिटी पार्क से निकले और वहां के निकलते ही बाहर नीलकंठ महादेव का मंदिर था, वहां पे हमने दर्शन किए और वहीं पास में लगभग 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही आपको पुरोहितों का तालाब जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको एंट्री टिकट देना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी पार्क में टिकट था, अगर मैंने नहीं बताया तो बता देता हूँ, वहाँ पे अपने इंडियंस के लिए जो है वो 30 रुपीज पर पर्सन टिकट है और अगर बाइक वगैरह के चार्जेस अलग है। और यहाँ पे जो पुरोहितों के तालाब पे जो पर पर्सन टिकट है वो है 10 रुपये और यहाँ पे आपको पार्किंग का कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, वहां पे आपको देना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी पार्क में। तो अभी हम घाटी चढ़ रहे हैं, शायद तक घाटी चढ़ के यहाँ से जो एंट्री है वहां नीचे आप देख पा रहे हैं, वहां से हमें 150 मीटर अंदर बोला हुआ है, तो अभी यहाँ से ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा आपको। सामने की तरफ आपको दूर जो है वो अगर दिखाई दे रहा हो तो दूर जो है वहां पे फोर लाइन जो है इसे ये पहाड़ जो है जहां पे एंड हो रहा है वहां से फोर लाइन निकल रही है और ये यहीं पे अंबेरी वाले एरिया में ये आपका पुरोहितों का तालाब और बायोडाइवर्सिटी पार्क आप देखने को मिल जाएगा। तो आज हम सारे नेचर प्लेसेस देखने आए हैं। जी हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ और भी बॉयज आए हुए हैं जो कि फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं, आप देख सकते हो, तो अभी इनका फोटो शूट चल रहा है। और यहाँ पे हाँ, अगर आप कैमराज वगैरह लेकर के आते हो तो उसका 250 रुपीज अलग से चार्ज है और ड्रोन वगैरह के तो 1000 रुपीज तक चार्ज है। अब आपको यहाँ पे बताते हैं पुरोहित जी के तालाब की कुछ हिस्ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जिसकी पुरोहित जी का जो तालाब है उसका निर्माण जो है वो मेवाड़ के महाराणा जो रायमल जी थे उन्होंने करवाया था। 1473 से 1508 तक उनका टाइम पीरियड रहा था शासनकाल और उसमें उन्होंने निर्माण करवाया था। और उस समय तत्कालीन जो मेवाड़ के राज पुरोहित थे वो थे श्री कृष्णा जी ने मेवाड़ में के इष्ट देवता श्री एकलिंगनाथ जी के जाने वाले मार्ग पर नीलकंठ महादेव मंदिर के यज्ञ पूजादि कार्यों के साथ पेयजल इत्यादि जन उपयोगी जल स्रोतों के उपलब्धता हेतु पुण्यार्थ में इस तालाब का निर्माण करवाया था। तो ये महाराणा रायमल जी के शासनकाल में हुआ था इसका निर्माण, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये एक पूरी एक शिलापट लगा हुआ है जिसपे आपको इसका हिस्ट्री जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये जो तालाब का जो निर्माण था और साथ में नीलकंठ महादेव जी की जो स्थापना है वो
उदयपुर बसने से पहले की है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल जो चीरवा की पूरी पहाड़ियां जो हैं उससे उसके बीच का ये एरिया है। यहाँ पे जो इस तालाब के अंदर जो पानी आता है वो आता है अपने जो भी इन पहाड़ों से, जो चीरवा के जितने भी आसपास के जितने भी जो पहाड़ हैं उन सबसे बारिश का पानी आकर के इस तालाब में इकट्ठा होता है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छी ये छतरियां बनी हुई है। और यहाँ का जो नजारा है, अगर आपने पहले मेरे चैनल पे एक वीडियो देखा हो और मैंने राजसमंद की नौ चौकी पाल का डाला था, वहां पे भी इसी तरीके से छतरियां बनी हुई है और ऐसे ही राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी पाल बनी हुई है और यहाँ पे जो है वो भी इसी तरीके की छतरियां और आपको ये पाल बनी हुई देखने को मिल जाएगी और सामने की तरफ पूरा पहाड़ों का व्यू और बीच में ये आपको तालाब देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, तो अब आप यहाँ पे देखिए ये जो सामने की तरफ जो है इन वो इसके फोटो शूट चल रहा है और ये अपने घूमटे जो हैं छतरी जो हैं बनी हुई है और आप देख सकते हो पास में ये गार्डन है। ऐसा ही सेम गार्डन हमारा इरिगेशन गार्डन बना हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है आपको पूरा ये एरिया देखने को मिल जाएगा। तो इन पहाड़ों से जो बारिश का पानी आता है वो इस तालाब में आकर के इकट्ठा होता है और यहाँ पे जो है ये पाल जो है बंधवा दी गई है जिससे कि पानी जो है इस एरिया में नहीं जाता है। ये अंबेरी है सामने, तो उस एरिया में नहीं जा करके ये पाल बंधवा देने से पहाड़ों का सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाया करता था, ताकि जब पहले पुराने समय में महाराणा जब एकलिंग जी दर्शन करने आते थे और यहाँ पे आसपास जो तो उस समय इस तालाब का जो है निर्माण करवाया गया। जी हाँ, तो ये आप देख सकते हो सामने की तरफ जो पहाड़ है वहां से पानी आता है, इसमें मेन सोर्स यही है। अगर आप उदयपुर में कोई ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा शांत वातावरण देखने को मिले और आप किसी छुट्टी के दिन ये आना चाहते हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो। जैसे कि आज हरियाली अमावस होते हुए भी आज यहाँ भी यहाँ पे आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मतलब आपको एक अगर रिलैक्सली बैठने के हिसाब से पानी के किनारे मतलब आप आकर के बैठना चाहते हो तो आप यहाँ पे आइए, तो ये आपको काफी अच्छा यहाँ का नजारा भी देखने को मिलेगा सामने की तरफ पूरे हरे भरे पहाड़ और बीच में तालाब पानी और गार्डन वगैरह भी हैं, तो आप यहाँ पे पिकनिक मनाने के हिसाब से भी आ सकते हैं। तो काफी अच्छी मतलब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो पूरा दिन भर का समय निकाल के आइएगा ताकि आप बायोडाइवर्सिटी पार्क भी देखें और ये तालाब भी आप देख लें और साथ में आप नीलकंठ महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं, काफी प्राचीन मंदिर है वो भी। तो ये एक छोटी सी पाल है जो कि यहाँ पे बनी हुई है और काफी अच्छे तरीके से यहाँ का रखरखाव जो है वो किया हुआ है, झूले वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के झूलने के हिसाब से। जी हाँ गाइस, तो अभी हम पुरोहितों का तालाब देख के निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम थोड़ा सा बोरों का गुड़ा होते हुए आगे, तो उस वजह से हम हाईवे पे उल्टा आ गए हैं थोड़ा और अब वापस अंबेरी चौराहे की तरफ जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा उल्टा जाना पड़ रहा है तो थोड़ा सेफली। पर पहाड़ देख सकते हो यहाँ पे काफी बड़े, मतलब इस तरफ भी देखिए आप पहाड़ का जो सीन है और मतलब पहाड़ों का नजारा काफी प्यारा है। और अब हम थोड़ा उल्टी साइड में जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से जा रहे हैं। बाकी आज के व्लॉग को यहीं पे हम एंड करते हैं क्योंकि व्लॉग काफी वैसे भी लंबा हो चुका है और अच्छी चीजें दिखाते रहेंगे, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।